Activity 14.6. Organisms called lichen are found to be very sensitive to the level of contaminant like sulfur dioxide in the air. Organism जो कि lichen कहलाते हैं, lichen मतलब काई जो होती है, are found to be very sensitive, वो बहुत sensitive होती है. किस level पर? जैसे कि कोई contaminated limit होता है, कोई प्रदूषित जगह होती है, उस level पर बहुत ज़्यादा sensitive होती है, उस level पर जल्दी हो जाती है, जैसे कि sulfur dioxide in air. The discussed earlier in the section 7.3, lichen can be commonly found growing on the bark of the tree as a thin greenish white crust. हमने पहले डिस्कस किया है 7.3 में कि लाइकेन जो है वो कॉमनली कहाँ पाई जाती है, ग्रो होती है वो बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की छाल पर. एक पतली जो है ग्रीनिश व्हाइट टाइप की क्रस्ट होती है, एक लेयर होती है. सी इफ यू कैन फाइंड लाइकेन ग्रोइंग ऑन द ट्री इन योर लोकेलिटी. आपकी लोकेलिटी में फाइंड करिए, देखिए कि किसी पेड़ पर जो है लाइकेन उग रही है, मतलब धीरे धीरे लगना शुरू होती है काई, पहले थोड़ी होती है फिर बढ़ती चली जाती. तो देखिए कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा ट्री है जिसपे काई लगना शुरू हो गई है. कंपेयर द लाइकिन ऑन द ट्री नियर बिजी रोड एंड ट्री सम डिस्टेंस अवे. अब लाइकिन को कंपेयर कीजिए कि रोड के किनारे जो भी पेड़ लगे हैं उन पर कैसी लगी हुई है और थोड़ा जो डिस्टेंस पर है उन पर कैसी है. ऑन द ट्री नियर रोड कंपेयर द इंसिडेंट ऑफ लाइकिन ऑन द साइड फेंसिंग द रोड एंड ऑन द साइड अवे फ्रॉम द रोड. ऑन द ट्री नियर द रोड, जो ट्री रोड के किनारे हैं, कंपेयर द इंसिडेंट ऑफ लाइकिन ऑन द साइड फेंसिंग ऑफ द रोड. तो जो साइड फेंसिंग है रोड के, उनके किनारे जो पेड़ पे लाइकिन लगी हुई वो, और ऑन द साइड अवे फ्रॉम द रोड, और जो रोड के थोड़ी सी दूर है, उन दोनों को कंपेयर कीजिए. व्हाट कैन यू से अबाउट द लेवल ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंस नियर द रोड एंड अवे फ्रॉम द रोड ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग अबव. ऊपर जो भी आपने ढूंढा उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि जो लेवल है पॉल्यूटिंग सब्सटेंस का सड़क के किनारे और सड़क से दूर, वो कैसा है, मतलब कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, आपका जो ऊपर का ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहते हैं. 14.2 वाटर अ वंडर लिक्विड. वाटर ऑक्यूपाइड अ वेरी लार्ज एरिया ऑन द अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. वाटर जो है अर्थ पर सबसे बड़े एरिया पे पाया जाता है और अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, यानी पृथ्वी के अधिकतर भाग में पानी है. सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर. और पानी का कुछ अमाउंट वायुमंडल में वेपर्स के रूप में भी पाया जाता है, वाटर वेपर के रूप में. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इज फाउंड इन द सी एंड ओशन एंड इज सेलाइन. जो पृथ्वी की सर्फेस पे जो पानी पाया जाता है उसमें अधिकतर पानी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी जो है वो सी और ओशन में पाया जाता है जो की सेलाइन है. फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप एट द टू पोल्स एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन. फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो फ्रोजन इन आइस कैप एट टू पोल्स, दो पोल्स के बीच में जो आइस कैप है फ्रोजन, वहां पाया जाता है. एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन, और जो बर्फ से ढके हुए माउंटेन है वहां पाया जाता है. द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर लेक एंड पॉन्ड इज ऑल्सो फ्रेश. अंडरग्राउंड वाटर और रिवर लेक और जो पॉन्ड का पानी होता है वो भी फ्रेश होता है. However, the availability of fresh water varies from place to place. जहां तक availability का सवाल है कि उपलब्धता पानी की, वो जगह के अनुसार depend करती, vary करती है. कहीं पे पानी fresh water ठीक से उपलब्ध है, कहीं पे बिल्कुल पानी नहीं है, तो ये place to place vary करता है. Practically every summer most places have to face the shortage of water. Practically जो every summer है, गर्मियों का जब मौसम आता है तो उसमें हर जगह पानी का shortage हो जाता है. And in rural area वेयर वाटर सप्लाई सिस्टम हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड. और रूरल एरिया में भी पानी की कमी हो जाती है जहां पर जो वाटर सिस्टम है उसको ढंग से इंस्टॉल ही नहीं किया, यानी कोई ढंग से पाइपलाइन नहीं बिछाई हुई है पानी आने के लिए, कोई टंकी नहीं लगाई हुई है, यानी वहां पे प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है. पीपल आर फोर्स टू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन फेचिंग वाटर फ्रॉम फार अवे सोर्सेज. और जो गाँव में लोग हैं, ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है और गर्मियों में जहाँ पानी की और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, वहां पर लोग बहुत दूर दूर से पानी का कोई स्रोत होता है तो वहां से पानी लाते हैं, यानी कि कहीं गांव के बाहर कोई कुआं है तो वहां कुएं से पानी लेकर आएंगे, या कोई हैंडपंप लगा हुआ है, तो यानी बहुत दूर दूर से लोग पानी लेकर आते हैं. एक्टिविटी 14.7. मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर ट्राइंग टू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. बहुत सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हार्वेस्टिंग की टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए पानी की उपलब्धता पर कार्य कर रही है, उसके लिए कोशिश कर रही है. Find out what these techniques are and how they would increase the water that is available for use. पता करिए वो टेक्निक कौन सी है and how they would increase the water, और वो कैसे पानी को इंक्रीज कर रहे हैं.
जो कि उपलब्ध है मतलब यूज करने के लिए, यानी पानी के साधन को कैसे बढ़ा रहे हैं। बट वाई इज वॉटर सो नेसेसरी, लेकिन पानी इतना जरूरी क्यों है। एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वॉटर, और सभी ऑल ऑर्गेनिज्म को पानी की जरूरत क्यों होती है। ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वॉटर मीडियम, सभी सेलुलर प्रोसेस जो है वो वॉटर मीडियम में होते हैं, पानी के उपस्थिति में होते हैं। ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल अकर बिटवीन द सब्सटेंस दैट आर डिजॉल्व इन वॉटर। ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी, जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जो भी हमारे सेल के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी उसमें पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सभी जो है सब्सटेंस होते हैं वो पानी में डिजोल्व होते हैं। यानी जो रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है और जो रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर हो रहा है, इन सब के लिए पानी की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस यूज हो रहा है वो सब्सटेंस पानी में डिजोल्व होता है। सब्सटेंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट अदर इन द डिजोल्व फॉर्म। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पानी की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है और डिजोल्व होने के बाद ही वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हेंस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडी इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। इसीलिए जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको मेंटेन करने की जरूरत के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। जब हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके सिस्टम जो है ढंग से कार्य करेंगे तभी हम जीवित रहेंगे, और सिस्टम को ढंग से कार्य करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडीज कैन नॉट टॉलरेट और गेट रेड ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन सैलाइन वाटर। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो होती है उनको फ्रेश पानी की जरूरत होती है, क्योंकि वो जो है नमक पानी में जो नमक होता है उस वैसे पानी को सैलाइन वाटर को टॉयलेट नहीं कर सकती है। Thus the water source need to be easily accessible for animal and plant to survive on land. इसलिए पानी का जो स्रोत है उसकी बहुत आसानी से उपलब्ध है पृथ्वी पर जानवरों के लिए और प्लांट के लिए सर्वाइव करने के लिए। एक्टिविटी 14.8 सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया नियर अ वाटर बॉडी, इट मे बी रिवर स्ट्रीम लेक और पॉन्ड। आपके एक एरिया सेलेक्ट कीजिए वाटर बॉडी के पास, मतलब कोई तालाब या कोई झील है उसके बाद कोई एरिया सेलेक्ट कीजिए उसके आसपास का एरिया। काउंट द नंबर डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट इन द एरिया, और इस एरिया में जो भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के एनिमल है और जानवर है उनको काउंट करिए, जो पेड़ पौधे हैं। ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच टाइप ऑफ स्पीशीज, और प्रत्येक प्रकार की स्पीशीज यानी कि कोई खास स्पीशीज है जो उस पॉन्ड में या उसके आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं उनमें उगी हुई है उसको नोटिस करिए। कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल found in an area on the same size in a dry rocky region. Compare this with the number of individual. और जो प्रत्येक का जो number है, आपने कोई special animal या plant में से कोई identify करा है तो उसका जो number है कि कितनी संख्या में उस area में पाया गया है, उसका size जो है वो dry और rocky area में कैसा है और rocky region में कैसा है, मतलब इस area में पाया जा रहा है नदी के किनारे तो उसका साइज और उसका डेवलपमेंट कैसा है, और अगर वो रॉकी रीजन में पाया जा रहा है तो उसका साइज डेवलपमेंट कैसा है, इसको कंपेयर करिए। इज द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ द सेम इन बोथ दीज एरिया, रॉकी रीजन जो है और ये जो सेलेक्ट किया एरिया आपने वाटर बॉडी के पास, इसके पास जो भी एनिमल और प्लांट है उन दोनों की जो भी ग्रोथ है क्या वो सेम है दोनों में। एक्टिविटी 14.9 सेलेक्ट एंड मार्क आउट अ स्मॉल एरिया इन सम अनयूज्ड लैंड इन और नियर योर स्कूल, आपके स्कूल के पास में कोई अनयूज्ड लैंड है, कोई ऐसी जमीन जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खाली पड़ी हुई है, ऐसे एरिया को सेलेक्ट कीजिए। एज इन द अबव एक्टिविटी काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट इन दिस एरिया एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज। इस एक्टिविटी में ऊपर की एक्टिविटी की तरह ही आप एनिमल और प्लांट्स को काउंट करिए कि इस एरिया में कौन कौन से एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, और उनकी इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में पता करिए कि उनकी इंडिविजुअल स्पीशीज कैसी है, कौन सी है। रिमेम्बर टू डू दिस इन द सेम प्लेस ट्वाइस अ ईयर, याद रखें इस एक्टिविटी को आपको साल में दो बार करना है, वंस ड्यूरिंग समर, एक बार गर्मियों के दौरान या फिर ड्राई सीजन सूखी गर्मी जब पड़ती है, एंड वंस आफ्टर इट हैज रेन, और एक बार जब बारिश हो जाए। आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ द अबव टू एक्टिविटीज, ऊपर की दो एक्टिविटीज का डाटा इकट्ठा करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है उसके परिणाम स्वरूप थिंक, सोचिए इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट कैन लिव इन गिवन एरिया, कि उस दिए हुए एरिया में
जिसके में आपने एक्टिविटी की है, जो भी प्लांट और एनिमल की वैरायटी है, उनके जो भी संख्या है और जो पानी का अमाउंट वहां पर अवेलेबल है, क्या उनके बीच में कोई संबंध हो सकता है या कोई संबंध है? इफ देयर इज अ रिलेशनशिप, यदि कोई संबंध है, वेयर डू यू थिंक यू वुड फाइंड अ ग्रेटर वेराइटी एंड द एबंडेंस ऑफ लाइफ इन अ रीजन दैट रिसीव 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन द ईयर और अ रीजन दैट रिसीव 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर? वेयर डू यू थिंक, आप कहाँ सोचते हैं कि कहाँ पर ज्यादा वेराइटी डेवलप होगी, एबंडेंस ऑफ लाइफ होगी, कहाँ पर ज्यादा जीवन होगा? वो एरिया जहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है साल में, या फिर वो एरिया जहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है साल में? फाइंड द मैप शोइंग रेनफॉल पैटर्न इन द एटलस एंड प्रेडिक्ट विच स्टेट इन इंडिया वुड हैव द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एंड विच वुड हैव द लीस्ट। फाइंड द मैप शोइंग रेनफॉल, आप मैप को देखिए जिसमें कि रेनफॉल शो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो शो हो रहा हो, एटलस में देखिए, और प्रिडिक्ट कीजिए कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे अधिकतर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और कौन सा ऐसा है जहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जहाँ पे एनिमल्स भी बहुत काफी वैरायटी में है और प्लांट्स भी अलग अलग वैरायटी के हैं और सब अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब बहुत विविधता है वहाँ पे एनिमल्स की और प्लांट्स की, उसके बारे में पता करिए कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे सबसे कम है। कैन वी थिंक ऑफ एनी वे ऑफ चेकिंग वेदर द प्रेडिक्शन इज करेक्ट, और कोई तरीका है जिससे हम ये चेक कर सकें कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट है? द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज दैट आर एबल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया बट इट ऑल्सो डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ईच स्पीशीज, न केवल पानी की उपलब्धता केवल ये डिसाइड करती है कि वहां पे ये पर्टिकुलर स्पीशीज ग्रो करेगी अच्छे से, बल्कि वो ये भी डिसाइड करती है एबल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया कि इस तरीके की स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही सर्वाइव करवाती है। बट इट ऑल्सो डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर, वो वहां पर ये भी डिसाइड करती है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो विविधता है यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर या पेड़ पौधे हैं वो उस एरिया में पाए जाते हैं। ऑफकोर्स यकीनन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ रीजन। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जो उपलब्धता है वो केवल ये डिसाइड नहीं करती, वो केवल एकमात्र फैक्टर नहीं है जो कि डिसाइड करे कि उस एरिया में सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं। अदर फैक्टर लाइक अ टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ सॉइल ऑल्सो मैटर, दूसरी जो फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर है, मिट्टी की क्वालिटी है, ये भी मैटर करती है। बट वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड, लेकिन पानी एक बहुत बड़ा स्रोत है जो ये निश्चित करता है कि उस लैंड पर लाइफ कैसी होगी, लाइफ का होना डिसाइड करता है। 14.2.1 वाटर पॉल्यूशन, वाटर डिजोल्व द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड दैट वी यूज ऑन आवर फार्म्स, पानी जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज कर डिजोल्व कर देता है जो कि हम अपने फार्म में यूज करते हैं। सो सम परसेंटेज ऑफ दिस सब्सटेंस आर वॉश्ड इन टू द वॉटर बॉडीज, तो इसमें से कुछ परसेंटेज इन सब्सटेंस का वॉटर बॉडीज में चला जाता है वॉश्ड होके। सीवेज फ्रॉम आवर टाउन एंड सिटीज एंड द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल्सो डम्प्ड इन टू रिवर एंड लेक, और सीवेज जो है हमारे शहर और गाँव के जो सीवेज है और फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो भी सब रिवर और लेक में डंप कर दिया जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री ऑल्सो यूज वॉटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज, कुछ इसे विशेष प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने जो अलग अलग प्रकार के काम करती हैं उसमें कूलिंग के लिए वाटर को इस्तेमाल करती है और हॉट वाटर जो है वापस वो वाटर बॉडीज में डाल देती है। एनदर मैनर इन विच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज रिवर कैन बी अफेक्टेड इन वेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम डैम, एनदर मैनर दूसरा जो तरीका है जिसमें कि टेम्परेचर जो है वाटर बॉडीज का जैसे रिवर है वो अफेक्टेड होता है, वो कब होता है कि जब डैम से पानी रिलीज किया जाता है तब भी रिवर का जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है। द वाटर इन साइड द डीप रिजर्वर वुड बी कोल्डर देन द वाटर एट द सरफेस विच गेट्स हीटेड बाय द सन, पानी के जो डीपर गहराई में जो पानी होता है स्रोत में वो हमेशा बहुत ज्यादा ठंडा होता है कंपेरेटिवली उसकी सतह के, क्योंकि सतह का पानी सूर्य की रोशनी से गर्म हो जाता है। All this can affect the life form that are found in these water bodies in various way. ये सभी चीजें life form को प्रभावित करती हैं जो भी उस water bodies में पाई जाती हैं। It can encourage the growth of some life form and harm some other life form. और ये कुछ growth form को encourage भी करती हैं, जबकि कुछ को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कुछ कुछ animal ऐसे होते हैं जो थोड़े
गर्म पानी में अच्छे ग्रो करते हैं, कंपेरेटिव ठंड बहुत ज्यादा ठंडे पानी में मर जाते हैं। तो कुछ लाइफ फॉर्म को ये एनकरेज करती हैं और कुछ को नुकसान पहुंचाती है। दिस अफेक्ट द बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म विच हैड बीन एस्टेब्लिश इन द सिस्टम। ये जो प्रभाव है ये क्या करता है, जो संतुलन है बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो कि सिस्टम में एस्टेब्लिश है उनको प्रभावित करता है, उनको कुछ को एनकरेज करता है कुछ को नुकसान पहुंचाता है। सो वी यूज द टर्म वाटर पॉल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट। सो जो ये टर्म है वाटर पॉल्यूशन, इसमें हमने निम्नलिखित प्रभावों को इंक्लूड करा है। पहला है द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, इसके अलावा दी सब्सटेंस कुड बी द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ये सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं जो कि फार्मिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंस, और ये पॉइजनस सब्सटेंस हो सकते हैं लाइक मर्करी सॉल्ट विच आर यूज बाई पेपर इंडस्ट्री। जैसे कि मर्करी सॉल्ट है जिसको कि पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये पॉइजनस होता है। दिस कुड ऑल्सो बी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो सब्सटेंस है ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो कि कोला का कारण होता है। नंबर सेकेंड है द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज से जो डिजायरेबल सब्सटेंस है जिनकी आवश्यकता है उसमें उसको उनका रिमूव होना। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज बाय द एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन प्लांट और एनिमल जो है इस्तेमाल करते हैं जो कि पानी में रहते हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल डिजॉल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्रकार का परिवर्तन या इनकी मात्रा में कमी आना डिजॉल्व ऑक्सीजन की, वो एक्वाटिक एनिमल या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, विपरीत प्रभाव डालता है। अदर न्यूट्रिएंट कुड आल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज से दूसरे जो न्यूट्रिएंट है वो भी धीरे धीरे क्या है समाप्त हो रहे हैं या समाप्त हो गए हैं। अ चेंज इन टेम्परेचर, मौसम में परिवर्तन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जो परिवर्तन है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज टू अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडी वेयर दे लिव, एंड द सडन मार्क चेंज इन द टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम और अफेक्ट देयर ब्रीडिंग। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो एक निश्चित उनकी रेंज होती है, उसके टेम्परेचर को भी यूज करते हैं वाटर बॉडी में जहां पर वो रहते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा चेंज आता है इस टेम्परेचर में तो वो उनकी लाइफ के ऊपर प्रभाव डालता है और खतरनाक हो सकता है और उनकी ब्रीडिंग जो होती है उसको प्रभावित करता है। द एग्स एंड द लार्वा ऑफ द वेरियस एनिमल आर पर्टिकुलरली सस्टेनेबल ऑफ टेम्परेचर चेंज। बहुत सारे जो एग होते हैं और लार्वा होते हैं एनिमल्स के, वो जो होते हैं इस बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं टेम्परेचर के प्रति। अगर किसी प्रकार का टेम्परेचर आता है, जैसे कि बच्चे होते हैं, ह्यूमंस के बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उनको दवाई दिला के ठीक करा देते हैं, लेकिन एनिमल्स के पास ऐसी सुविधा नहीं है। तो इनके जो बच्चे होते हैं जैसे कि एग है लार्वा है, तो टेम्परेचर में जब एक्वाटिक एनिमल के वाटर बॉडीज में टेम्परेचर में चेंज आता है तो सबसे पहला प्रभाव एग और लार्वा पर पड़ता है। बहुत सारे एग और लार्वा ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टेम्परेचर चेंज होने से, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वीक्स हो जाते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। तो टेम्परेचर का प्रभाव जो है भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स के लार्वा और एग पर पड़ता है।